पिस्ता होते हैं और इनका टेस्ट बड़ा सोंदा होता है। इसके लिए मैंने एक तोगा घी लिया अभी बनास्पति, और मैं 2 स्पून तिल डाल रही हूँ जो थोड़े से भुने हुए हैं, रोस्टेड हैं, और कलौंजी 1 स्पून, ये हल्की चॉप है, बल्कि 1 से भी थोड़ा कम लेंगे, 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी के अलावा, 1 स्मॉल कप ऑफ शुगर, चीनी इसमें ज़्यादा डलेगी, ये थोड़ा स्वीटनर टाइप का होगा, ये इसके अंदर स्वीटनर होगी, और इसके अलावा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये इतनी अमाउंट में मैं डाल रही हूँ, ये भी 1 पिंच के बराबर ही है तकरीबन। अब इसके अलावा इसमें डलेगा 1 कप दूध, ये चीज़ें मैंने पहले ही डाल दी। इसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इसमें मज़ीद पानी डाला जाए, क्योंकि ये घी और दूध में अच्छी तरह से भून लेते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी ज़रूरत पड़े तो हम नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को बग़ैर हाथों के इस्तेमाल के नहीं किया जा सकता, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश करें और उसके बाद ये काम शुरू करें। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसमें पानी की ज़रूरत है, तो मैं धीरे धीरे इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ये नीम गर्म पानी है तो मैं ये ऐड करती हूँ। ये हमारे लच्छेदार पराठों के लिए जो तैयार हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने लच्छेदार पराठों के लिए गूंदा हुआ आटा डो को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद अब जो है मैं इसके बेलने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। जिस तरह आम रोटी आम पराठों में हम घी अप्लाई करते हैं, वैसे हम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसके बाद हमें इसकी इसे यूं फोल्ड करेंगे, और उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म में इसे सेट करेंगे, और चाहे तो हम इसे घी में भी बेल सकते हैं, चाहे तो हम इसे आटे फाइन आटे में भी बेल फाइन आटे की मदद से भी बेल सकते हैं। मैं डबल घी इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि पहले ही मैंने इसको गूंदने के दौरान इसमें काफ़ी घी डाला था, और अभी भी ये फ्राई होगा भरपूर घी में, तो इस वजह से मैं इस वक्त इसे घी में नहीं बेल रही। जो लोग घी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बेलने के प्रोसेस में घी भी लगा सकते हैं। ये लच्छेदार पराठे बिहारी कबाबों के साथ और सुबह के नाश्तों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये मीठे हैं टेस्ट में, और इनमें जो तिल डाला है और जो कलौंजी डाली गई है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है। फ्लेम मैंने हाई कर लिया, मैदे से बनाए हुए पराठे बहुत जल्दी पक जाते हैं और उनका कलर बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना होगा। हो जाएगी
घी अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में इसमें घी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये पराठे हैं, ये तो नाम ही है घी से भरी रोटियों का। ये देखिए ये वन साइड से रेडी हो चुका है, अब मैं इसके दूसरा साइड फ्राई कर रही। बड़ी क्रिस्पी, मीठे मीठे से और थोड़े सॉल्टी भी, बड़ी ही टेस्टी होते हैं ये पराठे। मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, ये देखिए इनकी फाइनल शक्ल। ये हमारे लच्छेदार पराठों के लिए जो तैयार हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लच्छेदार पराठों के लिए गूंदा हुआ आटा डो को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद अब जो है मैं इसके बेलने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। जिस तरह आम रोटी आम पराठों में हम घी अप्लाई करते हैं, वैसे हम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसके बाद हमें इसकी इसे यूं फोल्ड करेंगे, और उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म में इसे सेट करेंगे। और चाहे तो हम इसे घी में भी बेल सकते हैं, चाहे तो हम इसे आटे फाइन आटे में भी बेल फाइन आटे की मदद से भी बेल सकते हैं। मैं डबल घी इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि पहले ही मैंने इसको गूंदने के दौरान इसमें काफ़ी घी डाला था, और अभी भी ये फ्राई होगा भरपूर घी में, तो इस वजह से मैं इस वक्त इसे घी में नहीं बेल रही। जो लोग घी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बेलने के प्रोसेस में घी भी लगा सकते हैं। ये लच्छेदार पराठे बिहारी कबाबों के साथ और सुबह के नाश्तों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये मीठे हैं टेस्ट में, और इनमें जो तिल डाला है और जो कलौंजी डाली गई है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है। फ्लेम मैंने हाई कर लिया, मैदे से बनाए हुए पराठे बहुत जल्दी पक जाते हैं और उनका कलर बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना होगा। अब मैं इसमें घी अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में इसमें घी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये पराठे हैं, ये तो नाम ही है घी से भरी रोटियों का।
ये देखिए ये वन साइड से रेडी हो चुका है और मैं इसके दूसरा साइड फ्राई कर रही। बड़ी ही क्रिस्पी, मीठे मीठे से और थोड़े सॉल्टिश भी, बड़े ही टेस्टी होते हैं ये पराठे। जी ये मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, ये देखिए इनकी फाइनल शक्ल।